हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिष्ठा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो मैं लास्ट वीडियो में आप लोग को पूरा संबंध वाला पार्ट पढ़ा चुका हूं और पूरा फलन वाला बेसिक पार्ट पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो आज मैं फलन का मैं बोला था कि क्वेश्चन मैं चालू कराने वाला हूं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, यह आप लोग देख लो, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं एकैकी की बात करूं तो ध्यान से देखना, एकैकी फलन क्या होता है। एकैकी का समुच्चय के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, यह क्या है, एकैकी है। अब हर समय हम लोग को डायग्राम नहीं दिया रहेगा, हम लोग एकैकी कुछ सूत्र से हम लोग निकालेंगे। देखो क्या होता है, अगर हम लोग को एकैकी फलन के बारे में पूछा, एकैकी फलन के बारे में पूछा, तो हम लोग इससे पहले वीडियो में एकैकी हम लोग समझ के आए कि भैया समुच्चय ए दे दे, समुच्चय बी दे दे और मेरे को संबंध स्थापित करा दो, मैं एकैकी है कि नहीं बता दूंगा। लेकिन तब क्या होगा, जब समुच्चय और समुच्चय भी दिया ना हो तब एकैकी मैं कैसे निकालूंगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, अगर यदि यहां पे देखो, यदि यदि एफ एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हो तो एक्स वन बराबर एक्स टू ये आ जाए तो मैं बोलूंगा कि दिया गया फलन एकैकी फलन है, एकैकी फलन है, ये एकैकी हो गया। तो बहुएकी क्या होगा, एकैकी के बाद आप लोग ये देख लो, बहुएकी फलन। बहुएकी को इंग्लिश में बोलते हैं मैनी टू वन, मैनी टू वन। याद है कि समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, बहुत सारे का एक में अगर कनेक्शन दिख गया तो वो बहुएकी होता है। तब क्या होगा, जब समुच्चय और समुच्चय भी दिया ना हो तब कैसे निकालेंगे, सेम यही रहेगा, बस x1 not is equal to x2 हो जाएगा। तो यहां पे लिखो, यदि यदि f of x1 बराबर f of x2 है तो यहां पे x1 not equal to x2 हुआ, इसका मतलब दिया गया फलन बहुएकी, बहुएकी। और आच्छादक की मैं बात कर लेता हूं, आच्छादक आच्छादक फलन, यहां पे दूसरा वाला समुच्चय का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, पूर्व प्रतिबिंब वाला। तो आच्छादक में क्या करते हैं, कुछ नहीं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करते हैं और हम लोग देखते हैं कि y के सभी मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब है कि नहीं। तो ये जब क्वेश्चन कराऊंगा तो सब समझ में आएगा, क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, इसको प्यार से उतार लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर टू एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट एन से एन में परिभाषित है। ध्यान से देखना, हम लोग पहले यहां पे ऐसे फलन लेते थे एफ सच दैट ए टू बी, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी रहता था, यहां पे क्या दे दिया, एन से एन में परिभाषित है। ये एन क्या है अभी मैं बताऊंगा, एन से एन में परिभाषित है, एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है, एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं। अब मेरे को आप बताओ, यहां पे समुच्चय ए और समुच्चय बी का तीर निकलता हुआ हमको संबंध नहीं दिया है, संबंध दिया रहता क्रमित युग्म में किसका किसके साथ संबंध है तो मैं ये क्वेश्चन को देख के बस बना देता, लेकिन अभी नहीं दिया है तो मैं ये जो लिखाया हूं इसकी मदद से अभी सॉल्व करने वाला हूं। तो देखो कैसे, सबसे पहले देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, हल लिखना प्यार से, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है टू एक्स, बहुत बढ़िया। और हमारा जो फलन है एफ वो एन से एन में परिभाषित है, एन क्या है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होता है एन, जो कि कहां से शुरू होता है, एक दो तीन से टूवर्ड्स द इंफिनिटी जाता है, प्राकृत संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या जीरो से शुरुआत होती है, प्राकृत संख्या एक से, टूवर्ड्स द इंफिनिटी अनंत की ओर जाते जाते हैं। तो ये हम लोग को जो एन दिया है वो एन नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या को एन से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये एन और एन दे दिया, मतलब जो पहला समुच्चय है, ध्यान से देखना, जो मेरा पहला समुच्चय है वो है एन, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है, एक दो तीन से पूरा इंफिनिटी, टूवर्ड्स द इंफिनिटी, एन से एन में परिभाषित है। दूसरा समुच्चय भी,
दूसरा समुच्चय भी n दिया हुआ है जो है 1, 2, 3 पूरा इंफिनिटी की ओर। अब मेरे को बताओ, संबंध अभी तो नहीं दिया है ना ये फलन, अब कैसे निकालूंगा? अभी तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो अब इससे पहले में जो फॉर्मूला लिखाया उसका इंपॉर्टेंस है, ये कैसे बनाऊंगा मैं देखना, मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले इसके थ्रू जाता हूं, अभी इसके थ्रू जाता हूं, ठीक है? चलिए, इसके थ्रू जाना तो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो आप लोग को इससे जो पहले में फॉर्मूला लिखाया उससे बताता हूं। देखो, एक एकी फलन की मैं बात किया और इसमें बोल रहे एक एकी है किंतु आच्छादक नहीं है। एक एकी का कंडीशन क्या बताया मैं, यदि एफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू है तो एक्स वन बराबर एक्स टू होना चाहिए, ये मेरा कंडीशन है। तो निकालते हैं एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू। देखो, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, ये एफ ऑफ एक्स मेरा एफ ऑफ एक्स है 2x, मेरे को क्या निकालना है f of x1 की वैल्यू और f of x2 की वैल्यू। यहां पे x है तो मैं x को रिप्लेस करके x1 डाल देता हूं, तो जहां जहां पे f of x1 चाहिए ना, तो x की जगह मैं x1 डाल दूंगा, तो जहां जहां पे भी x1 है वहां वहां सॉरी जहां जहां पे भी x है वहां वहां मैं x1 डाल दूंगा। ये तो इसकी वैल्यू आ गई f of x1 की वैल्यू। अब f of x2 की वैल्यू चाहिए, अभी मेरा पूरा कंसंट्रेशन इसी में, इसी x में मैंने x1 डाला, अब मेरे को f of x2 चाहिए, तो इसी x में मैं x2 डाल देता हूं, मतलब जहां जहां पे इसमें x है वहां वहां पे मैं क्या डाल दूंगा, x2 डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 2x की जगह x2। तो मेरे को f of x1 और f of x2 की वैल्यू पता चल गई, अब मैं यहां पे से डाल देता हूं। देखो, f of x1 बराबर f of x2 दिया हुआ है, f of x1 की वैल्यू क्या आई 2x1, f of x2 की वैल्यू आई 2x2, ये दो से दो कट गया तो क्या आया x1 बराबर x1 बराबर x2 आया, x1 बराबर x2 आया, यही तो मेरा कंडीशन होता है, यही तो कंडीशन होता है। बोला x1 f of x1 बराबर f of x2 अगर है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। देखो, f of x1 बराबर f of x2, इन दोनों की वैल्यू रखा, दो से दो कट गया तो मेरा f of x1 बराबर f of x2 आ गया। मतलब दिया गया फलन एक एकी है, आप लोग लिखेंगे दिया गया फलन एक एकी है। अब आच्छादक के बारे में, अब क्यों निकालोगे आच्छादक, आच्छादक क्या होते हैं कि x1 not equal to x2 होते हैं आच्छादक। तो यहां पे जब x1 बराबर x2 आ गया है, सॉरी बहुएकी की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसी में बहुएकी पूछ देता तो हम बहुएकी क्यों निकालेंगे, बहुएकी तो होगा नहीं ना। बहुएकी क्या होता है, x1 not is equal to x2 होता है। इसका मतलब अगर कोई फलन एकैकी है तो वो बहुएकी नहीं होगा, और कोई बहुएकी है तो वो एकैकी नहीं होगा। समझ में आया, ध्यान से एक बार वीडियो को फिर से देखो। अब आच्छादक के बारे में बात कर रहा हूं, तो आच्छादक के बारे में बात किया मैं, ये हो गया आच्छादक फलन के बारे में मैं बात किया, आच्छादक फलन के बारे में ये लो। आच्छादक फलन में मैं बोला था कि y is equal to f of x लिखना। देखो, y हो गया बराबर f of x की वैल्यू दी हुई है 2x, y is equal to f of x की वैल्यू दी है 2x, x बराबर क्या होगा y by 2, ठीक है, x बराबर होगा y by 2। ध्यान से देखते रहना, अभी बस ध्यान से बस देखते रहना। अगर मैं यहां पे देखो, ध्यान से देखते रहना ना, 2x है ठीक, अभी मैं यहां पे रिलेशन कर रहा हूं, अगर x की वैल्यू में 1 रखा तो f of x ही मेरा y होता है ना, y is equal to f of x, यहां पे देखो f of x को ही y लिया, ये है 2x। अगर मैं x की वैल्यू को देखो 1 रखा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 into 1 2 मिलेगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। अगर x की वैल्यू है देखो 2 है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखा तो y is equal to क्या मिल जाएगा 4, 2 रखा तो मेरे को 4 मिलेगा, 4 यहाँ कहीं पे होगा ये बस। अब 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6 यहाँ कहीं पे भी होगा, ऐसे करके जाते जा रहे। नेचुरल नंबर में दशमलव वाली संख्या नहीं होती, 1, 2, 3, 4 ऐसे होते, दशमलव वाले नहीं होते। तो अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होगे, आच्छादक क्या होता है, आच्छादक क्या होता है,
कि दूसरे वाले समुच्चय में सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। यहाँ पे देखो सभी अवयव के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अगर मैं y की वैल्यू एक डाल दूं, y की वैल्यू वहां पे एक डालूं, यहाँ पे मैं y की वैल्यू एक डालूं, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, एक बटा दो। एक्स की वैल्यू 0.5 मिल रही है। कब? जब मैं y की वैल्यू एक डाला। कब? जब मैं y की वैल्यू एक डाला। तो यहाँ पे देखो, मैं जब y की वैल्यू एक है, ये x अवयव, ये y अवयव, जब y की वैल्यू एक है तो यहाँ पे क्या x की वैल्यू 0.5 है। यहाँ पे देखो y की वैल्यू दो है, y की वैल्यू दो है तो x की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे रख के देखो, y की वैल्यू अगर दो रखोगे तो दो एकम दो कट जाएगा, x की वैल्यू 1 मिलेगी। हाँ, y इज इक्वल टू 2 में x की वैल्यू 1 है, लेकिन वहां पे जब मैं x y की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो इस y के 1 के लिए मेरे को कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। और यहां से देखने से भी पता चल रहा है, ये देखो 3 अगर मैं देख रहा हूं, y इज इक्वल टू 3 में इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं दिख रहा। और वहां से भी अगर मैं चेक करूं y की वैल्यू 3 रखूंगा तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। तो यहां पे एक एकी है, और आच्छादक के लिए क्या लिखोगे, y के सभी मान के लिए, y के सभी मान के लिए, देखो y के सभी मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं आता है, फलन आच्छादक नहीं है। तो सिद्ध हो गया कि एक एकी है और आच्छादक नहीं है, एक एकी है और आच्छादक नहीं है, यह सिद्ध हो गया। ये तो जिसको भी पहले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट होगा ना, दूसरा क्वेश्चन में ना आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, पहले क्वेश्चन में 2x था, द्वारा परिभाषित फलन जो है एफ सच दैट आर टेंस टू आर है, पहले एन टेंस टू एन था, एन क्या था, नेचुरल नंबर था, ये आर है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच होती है, और इसमें दशमलव, ऋण, धन सब संख्या आती है, बस इसमें इमेजिनरी काल्पनिक संख्या नहीं आती, ना तो एक एकी और ना ही आच्छादक है। बेहतरीन, ना तो एक एकी है का मतलब यहां पे एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं होगा, और ना तो आच्छादक है, उसका मतलब y के सभी मान के लिए x का मान नहीं होगा, मतलब y का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, बोला मैं नहीं होगा। तो चलो इसको करते हैं। देखो हल, हल में लिखा, अब हमको क्या गिवन है, फंक्शन f ऑफ x बराबर x स्क्वायर, जहां पे जो मेरा फलन है r से r में परिभाषित है। r क्या होता है, r एक वास्तविक संख्या होती है। तो ध्यान से देखना, मैं ऐसा करके बनाया, ये समुच्चय A है R, समुच्चय सेकंड वाला समुच्चय है, समुच्चय हम लोग इसको A लेते थे, इसको B लेते थे, वो भी R है, R से R में एक फलन है परिभाषित क्या, x स्क्वायर, ठीक है, f बराबर x स्क्वायर या f ऑफ x बराबर x स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच सभी संख्या आती है, तो मैं यहां से लेते हुए चल रहा हूं, माइनस एक, जीरो, एक, दो, डैश 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 डैश, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे माइनस दो भी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी सेम संख्या होगा क्योंकि R से R में है, तो ये माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, और ये पूरा चलता जाएगा टूवर्ड्स द इन्फिनिटी। क्लियर है, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। अगर मैं x की वैल्यू, ये क्या होता है, y इज इक्वल टू f ऑफ x बराबर x स्क्वायर है, अगर मैं x की वैल्यू ऋण दो डालूं तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू अगर मैं ऋण दो डालूं तो ऋण दो का स्क्वायर हो जाएगा 4। क्लियर है, ऋण दो का स्क्वायर हो जाएगा 4। कभी भी ऋण की घात अगर सम है तो हमेशा धनात्मक मिलता है, तो इस ऋण दो का घात 4 यहां कहीं पे होगा, इस तरफ। अगर मैं ऋण एक डाल दूं, ऋण एक, तो हो जाएगा ऋण एक का स्क्वायर, ऋण एक का स्क्वायर होता है 1, ध्यान से देखना। अगर 0 डालूं तो 0 का स्क्वायर होता है 0, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होगा 4 कहीं पे, ठीक है, 3 का स्क्वायर होगा आगे, 4 का भी स्क्वायर होगा, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो यहां ऋण 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, धन 9, ऋण 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, धन 16। तो मेरे पूरे धनात्मक संख्या के लिए, धनात्मक संख्या का स्क्वायर धनात्मक ही होता है, और ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर भी ऋणात्मक होता है, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे
तो कभी भी ये ऋणात्मक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब तो बनेगा ही नहीं। देखो, जीरो का पूर्व प्रतिबिंब जीरो है, एक का पूर्व प्रतिबिंब एक और माइनस एक है, वैसे दो का पूर्व प्रतिबिंब होगा बताऊं क्या, रूट टू, यहां पे रूट टू भी होगा, रूट टू और माइनस रूट टू। तीन का भी होगा, चार का पूर्व प्रतिबिंब होगा धन दो और ऋण दो। कभी भी इस ऋण वाले का पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कैसे? अब जैसे अगर मैं बोलूं ऋण तीन का स्क्वायर, यहां पे ऋण तीन डाल दिया एक्स की जगह, तो ऋण तीन का स्क्वायर तो धन की तरफ जाएगा, कभी भी ऋण की तरफ नहीं जाएगा। तो अगर मैं आच्छादक की बात करूं तो इसका पूर्व प्रतिबिंब मेरे को नहीं दिख रहा है, पूर्व प्रतिबिंब, तो यहां से मेरे को पता चल गया कि आच्छादक तो नहीं है। एक एकी के बारे में देखेंगे, कितना सारा एरो करते जाएंगे, आच्छादक के बारे में भी देखेंगे, लेकिन यहां से मेरे को अंदाजा हो गया ये आच्छादक तो नहीं है। अगर मैं एक एकी की बात करूं हाँ सर करो, तो ये होता है एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू और इसमें एक्स वन बराबर एक्स टू मिलता है, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स की जगह में एक्स वन डाल दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर, और एक्स की जगह में डाल दूंगा एक्स टू तो ये हो जाएगा एक्स टू का स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू हो गई एक्स वन का स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू हो गई एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को x1 की वैल्यू क्या मिलेगी, दोनों तरफ मैं वर्गमूल कर दूंगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो x1 की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस x2। क्यों सर, x1 बराबर x2 क्यों नहीं मिलेगा? अरे घात अगर दो है तो दो वैल्यू निकलती है, घात तीन है तो तीन वैल्यू निकलेगी, तो x1 बराबर x2 नहीं होगा, x1 बराबर प्लस माइनस x2 क्योंकि घात दो था। तो एक बार देखो x1 की वैल्यू क्या आई, x2 आ गई, ठीक है। लेकिन दूसरे ही पल देखो दो वैल्यू आई है ना, एक बार x2 आया एक बार ऋण x2, तो x1 बराबर ऋण x2 आया। और एक एकी होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए रहता है, x1 बराबर x2 ही होना चाहिए, यहाँ पे x1 बराबर माइनस x2 है, अतः यहाँ एक एकी नहीं है एक एकी। अगर पूछोगे सर क्यों, कि मैं बोला x1 बराबर x2 होना चाहिए तब एक एकी है, यहां पे x1 बराबर x2 तो है लेकिन साथ ही साथ x1 बराबर माइनस x2 भी है, इसके कारण ये एक एकी नहीं है। अब आच्छादक की मैं बात करता हूं, अगर मैं आच्छादक की मैं बात किया तो यहां पे लिखो आप लोग आच्छादक, ये हुआ आच्छादक। आच्छादक की अगर मैं बात करूं, आच्छादक की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई प्लस माइनस रूट वाई, प्लस माइनस रूट वाई, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है सर। तो अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं y की वैल्यू माइनस वन रख दूं, y की वैल्यू मैं माइनस वन रखता हूं, तो देखो x की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू अगर मैं माइनस वन रख दूं और माइनस वन रूट में है, रूट माइनस वन क्या होता है, आई की वैल्यू होती है आयोटा की, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस माइनस आई आयोटा आ रहा है, आयोटा की वैल्यू होती है रूट में माइनस वन। तो देखो जब मैं वाई की वैल्यू माइनस वन रखा, इधर देखो भाई वाई की वैल्यू माइनस वन रखा, उसमें बोल रहे एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आई है क्या प्लस माइनस आई, नहीं है, और आई कैसे होगा, यहां पे तो आर वास्तविक दिया हुआ है, आई तो एक काल्पनिक है। तो जब मैं वाई की वैल्यू माइनस वन रख रहा हूं तो मेरे को एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही है, उसका मतलब इसका पूर्व प्रतिबिंब मेरे पास नहीं है, और पूर्व प्रतिबिंब नहीं है वाई के हर मान के लिए, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है उसका मतलब वो आच्छादक नहीं है, तो यह आच्छादक भी नहीं है, यह आच्छादक भी नहीं है। तो दो क्वेश्चन कराया, ऐसे आते हैं एक एकी और आच्छादक पूछने के लिए, और बहु एकी अगर आ गया, बहु एकी आ गया तो ये नॉट इक्वल टू आएगा, सीधी बात, x1 नॉट इज इक्वल टू x2। तो मैं ये आप लोगों को संबंध वाला पार्ट करवा दिया, फलन वाला पार्ट करा दिया, अब एक दो टॉपिक और शेष है, वो बहुत ज्यादा इजी है, और उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, छोड़िएगा मत, कक्षा 12वीं बोर्ड का सवाल है और बोर्ड में अच्छे परसेंट
अगर आप इसको करे हो और बुक के अच्छे क्वेश्चन बना लोगे तो आपको अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे नंबर आएंगे। और इसके बारे में अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो ये पूरा चैप्टर बहुत टाइम लेके बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हमारे अभिक्षा के ऐप में मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वहां से भी अगर चाहते हो कि समय में आप पढ़ लोगे तो वहां से भी परचेज कर सकते हो। तो मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।